वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अल्लाह पाक सब आप सबको ईद की खुशियाँ देखना नसीब करे अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। और मेरे भी दुआ में याद रखिएगा। और अरहम देखें तैयार हैं आज। ये इन्होंने अरहम का शलवार कमीज, मैंने आप लोगों को कहा था ना स्टिच होके आ जाएगा, तो वो आ गया था। अरहम तैयार हो गए, अभी अपने पापा के साथ गए थे नमाज़ पढ़ के, कब्रिस्तान से भी आए होते हुए आए, तो अभी ये तैयार थे तो मैंने कहा वीडियो बनाती हूँ। अरहम ग्लासेस उतार के सलाम करें और आप कब से आप सब कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अरहम ये कह रहे थे मैं ईद मुबारक कहूँगा, अब बस खेल में दिमाग लगा हुआ है ना इनके, तो बस अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दिखाए। बच्चे तैयार हैं और मैं भी आपको अपना ड्रेस बस यूँ ही दिखा सकती हूँ जितना मैं दिखा सकती हूँ। ये देखें ये मेरा ड्रेस है आज का, और ये मैंने अपना आज रूम जो था थोड़ा सा सेट करे थे। लाजमी ईद के दिन थे, सबके घरों में सफाइयाँ होती है, मेरे भी हुए थे, तो मैंने कहा एक साथ ही आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखें मैंने ये ड्राइंग रूम है हमारा, देखें। और थोड़ी मैंने चेंजिंग कर दी है रूम में, जो मेरा तख्त यहाँ रखा हुआ होता था आज मैंने ये अभी यहाँ रख दिया, और ये मेरी जो डाइनिंग टेबल थी वो मैंने इधर रख दी है, तो आसानी रहती है। थोड़ी मैंने कहा सेटिंग चेंज होनी चाहिए, तो ये देखें बस थोड़ा ये रूम सेट करा है। फिर अभी मैं आप लोगों को बेडरूम भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह अपना। तो ईद के त्यौहार पे तो आपको पता है कि हर कोई अपना घर वगैरह सब अच्छे से साफ करता है, तो मैंने भी करा था। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करिएगा। और इंशाल्लाह मैं अभी अपनी बेटियों के भी आप लोगों को ड्रेस दिखाऊंगी, तो फिर मिलते हैं। और ये मेरी छोटी बेटी का ड्रेस था, ये बहुत अच्छा लग रहा था, ये रेडीमेड लिया था मैंने। आपको पता है ईद पे तो बस ऐसे ही बच्चों का चलता है। फिर ये मेरी बड़ी बेटी का ड्रेस था, उसके बाद ये लोग अपने चाचा के साथ चले गए थे खाना खाने, फिर हमारे यहाँ मेहमान आए थे तो बस उनका इंतज़ार था उन लोगों के सामने, आपके सामने। आपको पता है कि रिफ़्रेशमेंट वगैरह जो भी रखा उसके बाद ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकी मैं, तो फिर इंशाल्लाह सेकंड डे की आपसे शेयर करूँगी। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।